आज के युग में दुनिया में बहुत से खतरनाक जानवर मौजूद हैं और वो बहुत खूंखार भी हैं, जो पल भर में किसी का भी शिकार कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने समय में इस पृथ्वी पर काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार जानवर थे और जो देखने में भी काफी ज्यादा डरावने थे। पुराने समय के जानवर आज के समय के जानवर से काफी ज्यादा खूंखार थे, जो दिखने में आज के जानवर से बिल्कुल ही अलग लगते थे। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं पुराने समय में इस धरती पर राज करने वाले जानवरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है सेबर टूथेड टाइगर। एक्चुअली ये टाइगर अपने लंबे और खंजर जैसे दांतों के लिए जाना जाता था, इसीलिए इसे सेबर टूथेड टाइगर कहते हैं। और इनकी तुलना अगर आज के जमाने के टाइगर से की जाए तो सेबर टूथेड टाइगर आज के टाइगर से काफी भयानक और डरावना था। अब बात करें सेबर टूथेड टाइगर के बारे में, तो इनकी प्रजाति अब से 10,000 साल पहले इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। इन टाइगर्स में एक खास बात और थी, अगर आज के टाइगर्स को देखा जाए तो वो अपना मुंह केवल 60 डिग्री तक ही खोल पाती है, जबकि सेबर टूथेड टाइगर अपना मुंह 120 डिग्री यानी कि इनसे दोगुना खोल लेती थी। सेबर टूथेड टाइगर्स आज के टाइगर से काफी ज्यादा ताकतवर भी होती थी और इनका वजन करीब 400 किलो तक होता था। अब बात करें इनके जबड़े के बाहर मौजूद दांतों की लंबाई के बारे में, तो इनके दांतों की लंबाई करीब 12 इंच यानी कि 1 फीट होती थी और इन दांतों की वजह से सेबर टूथेड टाइगर भयानक राक्षस की तरह दिखता था। अब अगले नंबर पर है समुद्री बिच्छू, जो कि दिखने में आज के बिच्छू से कितना बड़ा लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में यूपेटेरिट्स कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये विशालकाय जीव करोड़ों साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अब इनका संबंध आज की जमीनी बिच्छुओं और मकड़ियों से किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये समुद्री बिच्छू आज से 25 करोड़ साल पहले झीलों और समुद्रों में राज किया करता था और ये साइज में दिखने में लगभग 8 फीट तक होते थे। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बिच्छू का 1990 में एक जीवाश्म मिला था, जिसे इसी की प्रजाति का बताया जा रहा है, और इस बिच्छू के जीवाश्म को अब एक म्यूजियम में रखा गया है, जिसे लोग देखने के लिए आते रहते हैं। अब अगला है बुली मैमोथ, जो कि पुराने समय में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी था और अब इनका नामोनिशान 25,000 साल पहले मिट चुका है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि साइंटिस्ट अब इनको दोबारा इस पृथ्वी पर लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अभी वैज्ञानिकों ने कुछ इसके जैसे दिखने वाले मैमोथ को खोज निकाला है और इनके डीएनए को अफ्रीकी हाथियों के साथ मिलाकर इनको दोबारा बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि साइंटिस्ट इन्हें 5 सालों के अंदर बना भी लेंगे। अगर वैज्ञानिक इस काम में सक्सेस होती है तो एक बार फिर हमें बुली मैमोथ देखने को मिल सकती है। तो वैसे क्या कहना है आपका बुली मैमोथ के बारे में, कमेंट में बताएं। और ये थे कुछ खतरनाक जानवर जो पुराने समय में बहुत खूंखार और डरावने थे, जो आज के जानवरों की साइज के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ी भी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।